नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विनायक जोशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के अगस्त महीने के राशि भविष्य की। तुला राशि वालों को कर्म स्थान से सूर्य का ट्रांसिट है और फाइनेंस के घर में अर्थात 11वें घर में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। गुरु और मंगल 8वें घर में चल रहे हैं। ओवरऑल ग्रह स्थिति अच्छी कही जा सकती है। इस महीने में आपके लिए आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके वर्क फील्ड में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो उस चीज़ पे अपना फोकस करें। फाइनेंशियली समय अच्छा है, कुछ नए बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर कहीं पैसे रुके हैं तो भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। 5वें घर में शनि के उपस्थिति के कारण कोई आकस्मिक धनलाभ के योग बन सकते हैं या अचानक कोई बड़ा काम मिल सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक दृष्टि से समय बहुत ही अच्छा है। गुरु और मंगल दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके कुटुंब स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण परिवार का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। जीवन साथी के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से पूर्ण साथ और सहकार मिलेगा। संतान की तरफ से अच्छे न्यूज आ सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल ये महीना तुला राशि वालों के लिए हर प्रकार से उत्तम है। नमस्कार।